उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाढ़ में 200 परिवार फंस गए हैं। उपनाती शारदा व घाघरा नदियों के कहर से एक गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव के हर छोर से दिखाई देता है तो सिर्फ पानी ही पानी। पिछले 48 घंटों से फंसे लोगों पर मौत का साया मंडरा रहा है। लोग बेहद डरे हुए हैं। टापू बन चुके गांव तक पहुंचने का अगर कोई साधन है तो वो है नाव। खौफ में जी रहे गांव वालों की बेबसी को दूर करने के लिए हाल फिलहाल कोई भी अधिकारी अब तक नहीं पहुंच पाया है। चारों तरफ पानी ही पानी, उसके बीच में है गांव 25। जी हां, इसे टापू न समझिए। यह है सीतापुर के बिस्वा तहसील के रेवसा ब्लॉक का 25 गांव। ये गांव अब सरकारी हुक्मरानों की लापरवाही के चलते समुन्दर के बीचों बीच स्थित एक टापू सा लगने लगा है, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं गांव के 200 परिवार के करीब 800 से अधिक लोग। गुजरे 2 दिनों से दुनिया से कट चुके गांव वाले हाल फिलहाल जी तो रहे हैं, लेकिन भगवान भरोसे। फंसे लोगों के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है ताकि लोगों को बाहर निकाला जा सके। खाने पीने की भी बड़ी दिक्कत है। घर के ऊपर जी रहे हैं, रोटी और नमक दूसरे चौथे दिन के बाद खाते हैं, नहीं तो वो भी नसीब नहीं होता है। लगभग 200 परिवार हैं जिन पर ये गाज गिरी हुई है। शारदा और घाघरा भी थमने की बजाय और भी भयानक होती जा रही हैं। गांव तक किसी भी तरह की सरकारी व गैर सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है। सभी लोग घबराए हुए हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश भी हो रही है, साथ ही चारों ओर दिखाई देने वाला बाढ़ का पानी किसी अनहोनी की दस्तक सा लग रहा है। खाने पीने से लेकर रोशनी तक के सारे सामान खत्म हो चुके हैं। मासूम भूख से बिलबिला रहे हैं, लेकिन खाना नहीं है। बीमार मर्ज से तड़प रहा है, लेकिन दवा का अता पता नहीं है। ऐसी उतर गई ना वैसी उतर गई, बीच में यहाँ पर रहन खटियन पर बसर होता था छपरन पर लड़का बिटियन के जौन बस्तर पहरे आने है, बस्तर पहरे कटा था खेती है वह बही गए। कहूँ मैं ना हुआ ना कहूँ खाना पान कहूँ खाना ना मिला कहूँ जब तक बनाए मिला भरी भुतकी लगाए मिला खटियन पर तक खावा गवा छपरन पर बसर हुआ था। मजबूर गाँव वाले भी इतना समय गुजर जाने के बाद भी मायूस हो चुके हैं, कहीं जा नहीं पा रहे क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। खेती है वो भी बह गई, खाना मिला तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही चारों तरफ सब खेत कट गए हैं। नदियों ने अपने आगोश में उन्हें समेट लिया है। हर तरफ नदी है, कहीं बैठने की गुंजाइश तक नहीं। घर की छत पर रात काटी जा रही है, कोई उपाय नहीं। खाना पीना दूसरे तीसरे दिन मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूख से इंसान तड़प रहे हैं। दोनों तरफ से नदियों के बीच बस फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकारी सहायता की बेहद ही आवश्यकता है, अन्यथा की स्थिति में यदि ज्यादा दिन बीते तो यह लोग भूखे ही इनकी राम नाम सत्य है। तो भी पहाड़ों में बारिश हुई है, उसके मद्देनजर बनबसा से करीब 4,18,000 और इसके बाद जो है 5,43,000 क्यूसेक पानी कल से लेकर के आज तक छोड़ा गया है शिफ्टों में, इसको लेकर के प्रशासन सतर्क है। हमारी 3 तहसीलें लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद इससे प्रभावित होती हैं। खासकर शारदा नदी में जलस्तर बढ़ जाता है और पानी जो है गाँव के आसपास भर जाता है। हमने सर्वे करा के चिन्हीकरण करा लिया है कि किन किन गाँव अगर ऐसा पानी आएगा तो हमारे कौन कौन से गाँव हैं जो मैरून होंगे, उनकी सूची बना ली है। एसडीएम गांव में कैंप कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि अगर पानी फैलता है तो हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाल करके वहां से शिविर में ले आएंगे और उनके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के हुक्मरान कितनी देर में इन गांव वालों की सुध लेते हैं। सीतापुर से एएनजी न्यूज ब्यूरो के लिए अवनीश कुमार।